ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? सो आप भी प्री मच्योर हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बाल बहुत कमज़ोर हैं, भर भर के टूट रहे हैं, तो सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आपका डेली हेयर फॉल हो रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा, तो वो नेचुरल है, राइट? एवरीडे हमारा हेयर फॉल होता है, एवरीडे न्यू हेयर आते हैं, सो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप सोच रहे हैं कि 70, 60 या 55 में जाकर मेरे बाल जो हैं वो एकदम से सफ़ेद हो गए हैं, वो भी एकदम नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर प्री मैच्योर हो जाएं, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी प्री मैच्योर या ग्रे हेयर की समस्या हमें आती है, वो किसी की प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है। आपका खान पान सही नहीं है, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, बालों में मसाज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर वो वीकनेस आपको बताने जाऊंगी तो ये वीडियो नहीं, अगला वीडियो भी कम पड़ेगा। तो वेल दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको आपने प्रॉपर अच्छे सही तरीके से बनाना है, यूज करना है, और उसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना है, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे वीडियो के अंदर ही आपका बिफोर एंड आफ्टर का जो पिक्चर है वो शेयर कर पाऊं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत ही नेचुरल से प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो हम कहाँ से परचेज करें? बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, क्वेरी आती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, बिल्कुल प्योर हैं, फ्रेश हैं। तो इन फ्रेश पाउडर के बिना ये रेमेडी अधूरी है। तो ये जो पाउडर है उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, वहां से जाके अमेजोन से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बार में मुझे लिखेगा, मैं आपको इसका सलूशन भी बता दूंगी। तो वेल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले पाउडर की। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवला पाउडर की जरूरत पड़ेगी। एक कटोरी में एक चम्मच आंवला पाउडर आपने डाल देना है। ये आंवला पाउडर बहुत ही नेचुरल प्रोसेस के साथ तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट जो चीज हम इसके अंदर डालने वाले हैं, दैट इज दोस्तों भृंगराज पाउडर। राज पाउडर यानी कि राजा पाउडर। तो ये राजा पाउडर भी आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। ये पाउडर भी बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से गुजर कर हमें मिलता है। कोई केमिकल, कोई पैराफिन, कोई कलर, कोई फ्रेग्रेंस, नथिंग इन इट। बिल्कुल प्योर है, फ्रेश है। तो ये आपको मिलेगा। तो दोनों का एक एक चम्मच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने कटोरे में डाल देना है, और इसमें पानी डालिए और इसको थोड़े टाइम के लिए रख दें, ताकि पानी और ये जो दोनों पाउडर हैं अपनी गुडनेस बाहर निकाल सके। तो इसको ढक के थोड़े टाइम के लिए 5 to 10 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें डालने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच। मुल्तानी मिट्टी क्या काम करेगी? अभी आप मैम आंवला पाउडर बोल दिया, भृंगराज बोल दिया, मुल्तानी मिट्टी वाई? बिकॉज मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल कंडीशनर का काम करती है, और ये हमारे घर में अवेलेबल होती ही होती है। अगर आपको अपने बालों में बाउंस चाहिए, नेचुरली बाल काले चाहिए, और अपने स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको आपको क्योर करना है, और आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे से हैं, उनमें क्लींजिंग कुछ नहीं है, शाइन नहीं है आपके बालों में, तो उसके लिए हम मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी आपने इसके अंदर डाल देना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच कलौंजी सीड्स ऑयल डालने वाले हैं। कलौंजी के बीजों का तेल हम डालने वाले हैं, इसको कलौंजी तेल भी बोलते हैं। तो वो आपने 1/4 चम्मच डालना है। सभी को मिक्स कर लेना है पानी से, अच्छे से मिक्स करें, और थोड़ा पानी ज्यादा डाल दें, है ना? थोड़ा पानी ज्यादा किस लिए मैंने बोला है? मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि जब भी मैम हम कोई भी रेमेडी बालों में अप्लाई करते हैं ना, तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे बालों में रह जाते हैं, जब हम कॉम करते हैं फ्लोर नीचे पूरा गंदा हो जाता है, क्या किया जाए? तो आपने इसमें थोड़ा पानी ज्यादा डालना है, और इसको छान लेना है मलमल के कपड़े में, राइट? तो मलमल के कपड़े में इसको छान लीजिए, और जो
बचे गुडनेस इसकी जो है वो हमारे पास निकल के बाहर आ जाएगी। इसको स्प्रे बॉटल में डाल दें या कॉटन से इसको अपने पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट तक इसको रखना है, उसके बाद बालों को वॉश कर लें। अच्छे से बालों को क्लीन करने के बाद बिफोर आफ्टर का पिक्चर लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्राई आउट करें के बाद इतने क्लीन हाइड्रेट एंड फ्रेश लगेंगे, बालों में बाउंस भी आएगा, बालों में शाइन भी आएगा। तो अब मेरे दोस्तों का कुछ कहना हो जाता है कि मैम जब भी हम कोई होम रेमेडी ऐसा कुछ ट्राई करते हैं बालों में तो बालों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। ड्राइनेस क्यों होती है दोस्तों? ड्राइनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो पाउडर्स हैं टोटली प्योर हैं, है ना। कोई भी अगर आपने कभी माइल्ड शैम्पू यूज किया होगा तो माइल्ड शैम्पू के बाद भी बालों में ड्राइनेस आती है क्योंकि उनमें केमिकल नहीं होता। तो इन पाउडर्स में भी कोई केमिकल फ्रेग्रेंस एंड कोई ऑयल या कोई भी चीज ऐसी नहीं डाली जो बाहर से लाकर इसमें इंक्लूड किया हो। तो प्योर चीज हमेशा अपना ओरिजिनल रिजल्ट आपको देती है। तो ड्राइनेस को दूर करने के क्या करना चाहिए, जब आपके बाल गीले हो हल्का सा कोकोनट ऑयल अपने गीले हाथ करके दो बूंदे डालिए और दोनों हाथों को अच्छे से इस तरह से घुमाइए एंड थोड़ा हीट भी आ जाएगा और ऑयल पूरे बालों में आ जाएगा, हाथों में आ जाएगा। उसको पूरे बालों में इस तरह से अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बालों में शाइन भी देख पाओगे, बालों की प्री मेच्योर हेयर ग्रे की जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ट्राई दिस इट नाउ एंड मुझे इसका रिजल्ट नीचे कमेंट बार में जरूर बताइएगा आपको कैसा मिला। और वीक में 2 टाइम आपको इस एप्लीकेशन को करना है प्रॉपरली 3 मंथ तक अगर 100% रिजल्ट चाहिए। आई नो मेरे कुछ दोस्तों को ये थोड़ा उठपटा सा लगेगा कि यार कैसे कैसे होगा, बट हाँ आप स्प्रे कीजिए, बालों में पार्टिकल भी नहीं रहेगा और बाल नेचुरल तरीके से आपके घने मजबूत एंड काले भी रहेंगे। तो काली जुल्फो पाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बनाएं और अप्लाई करें। मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।